नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फिरोजाबाद में अवैध रूप से चल रहे चिकित्सालयों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। एक के बाद एक हॉस्पिटलों को सील करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग फिरोजाबाद द्वारा लगातार जारी है। बता दें कि फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला मरीज की मौत के बाद बड़ी कार्यवाही की। अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए फिरोजाबाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हॉस्पिटलों को सील करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लगातार प्रतिदिन इसी प्रकार से चल रहे अवैध हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमार कार्यवाही की जा रही है और कमियां पाए जाने पर अवैध हॉस्पिटलों को सील करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ऐसा ही आज फिरोजाबाद के आसफाबाद पर एमबी हॉस्पिटल का नजारा सामने आया, जहां पर महिला मरीज की मौत के बाद अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील करने की कार्यवाही की। खास रिपोर्ट इस वक्त की ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है आपका? सवाना। क्या हुआ सवाना जी? सवाना ऑपरेशन से लड़का हुआ था। अच्छा, फिर? फिर वहाँ पे भर्ती थी। कितने दिन से भर्ती थी? परसों से। फिर क्या हुआ? आप साथ में थी? ऑपरेशन से लड़का हुआ था। उसके बाद क्या हुआ लड़का? उसके बाद में नॉर्मल बच्चा हो गया घर में, वो मई पे भर्ती था। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद में कल गई, मैं आसरही बोल रही थी, मुझसे सबसे बोल रही थी। कल शाम को गई थी तो वो कंपाउंडर आया था इंजेक्शन लगाने, बोतल लगाने। उनने वो इंजेक्शन लगाया नस में, जो सफ़ेद सा था। अच्छा, नस में इंजेक्शन आया तो जो गरीब बाजी, मुझे घबराहट हो रही है, इनने इंजेक्शन लगाया सोई मुझे घबराहट हुई है, बाजी इनने इंजेक्शन लगाया सोई घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट ही घबराहट बता रही थी मेरी बच्ची। फिर क्या हुआ? अल्लाह, मैंने कही बेटा डॉक्टर आया तो बताइए, घबराहट हो रही है, मैं नहीं हो सकता, दवा वा देंगे वो। अल्लाह, में 11 बजे रात को आ गई, मैं नहीं पता कौन से इंजेक्शन लगा दिए मेरी बच्ची के, मेरी बच्ची खत्म हो गई। बताया जा रहा है डॉक्टर भाग गए थे। डॉक्टर भाग गए, जैसी इसकी तबीयत भी ऊपर ऊपर सांसें भर रही थी, जैसे ही डॉक्टर भाग गए कि गाड़ी लेने जा रहा है हम, डॉक्टर नहीं भी भाग गई, मेरी बच्ची अकेली बड़बड़ा रही मछली की तरह। अल्लाह, मैं क्या करूँ? कौन सा हॉस्पिटल था वो? अल्लाह, कौन सा था भैया, मुझे सब रिवोर्स करा हो भैया। अच्छा, कहाँ पर था? आसाबाद पे। अल्लाह, मोहम्मद सादिक। क्या हुआ सादिक जी? जो घर पे खबर आई थी कि वो ख़त्म हो गई, तो बताया घर वालों ने। मेरे भैया भी। कैसे ख़त्म हो गई? मेरे घर वालों ने बताया कि इन्होंने घबराहट हो रही थी ना। अच्छा, हाँ, तो वो आए कंपाउंडर तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, कह रहे अब घबराहट कम हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद और हालत बिगड़ने लगी, तो उन्होंने कही कि अरे डॉक्टर साहब देखो हालत बिगड़ रही है, क्या अब ये डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। वो आया कंपाउंडर, वो देख के चला गया, फिर वो आया नहीं, पता चला कि वो भाग गए अस्पताल से। कौन सा हॉस्पिटल था? एमबी हॉस्पिटल, आसपास फाटक के सामने। अच्छा, कब एडमिट किया था आपने? परसों लड़का हुआ था और दो दिन नॉर्मल रहे, रात को तबीयत ख़राब हुई है 9-10 बजे करीब, और हमें खबर मिली है 2-2.5 बजे करीब रात में। फिर क्या हुआ? हमें खबर मिली है ख़त्म हो गई, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जी बता रहे कि उसे घबराहट हुई और कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया, और उसी इंजेक्शन से पता नहीं क्या हुआ एकदम, तो उन्होंने कि डॉक्टर साहब उनकी हालत ख़राब हो रही है, तो डॉक्टर पता चला कि वो भाग गए बाहर, वो कंपाउंडर बुलाने गया, बुलाते बुलाते वो भाग गया। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी आप कहाँ पर आए हुए? सरकारी अस्पताल में। काय के लिए? पोस्टमार्टम के लिए। थाने में शिकायत कराई है? हाँ, ठहरी थी। पुलिस क्या कह रही है, क्या चाहते हैं आप? हम जी चाहते हैं कि उसको सील लग गया, उसमें अस्पताल में सील लग गया और उसको जेल हो गया। हॉस्पिटल में और आज हॉस्पिटलों में जो ताबड़तोड़ कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है, कौन कौन से हॉस्पिटल थे और क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, जी बताइए। शिकायतों के आधार पर जो कुछ गैर पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और कल भी एक हॉस्पिटल को सील किया गया था, आज भी एक हॉस्पिटल को सील किया गया है, और ऐसी कार्रवाई
आगे निरंतर जारी रहेगी। कौन कौन से हॉस्पिटल थे, क्या क्या नाम था जिन पर कार्रवाई हुई है? कल ओम साई हॉस्पिटल था संतोष नगर में, और आज MB हॉस्पिटल है उसको सील किया गया है, उस पर कार्रवाई की। आगे भी कोई ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी? कोई हाँ, जैसे जैसे हमारे प्रकरण आता जाएगा वैसे हम उसके निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे।